हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग अपना ज्योग्राफी में नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पर्वत, पठार और मैदान के संदर्भ में पढ़ लिया है। अब हम लोग तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उनके संदर्भ में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में संप्राय मैदान, हिमोड जो स्थलाकृतियाँ हैं, जलोढ़ स्थलाकृतियाँ हैं, इस तरह के क्रास्ट मैदान हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब हम लोग इस पे जो स्थल पर, स्थलखंड पर जो सबसे महत्वपूर्ण एक संरचना होती है जिसे झील के नाम से जाना जाता है, जो जल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती है और इसे बहुत सारे जगहों पर जैसे तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्रों में अगर देखेंगे आप, या राजस्थान के क्षेत्रों में, जो जल का बहुत बड़े पैमाने पर जीवन यापन के लिए एक बड़ा माध्यम बनता है। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो तालाबों और झीलों के माध्यम से वहाँ का जनजीवन चल पाता है, वहाँ की कृषि हो पाती है, उनके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे झीलों के बारे में। झीलें जो हैं स्थलमंडल की एक प्रकृति के द्वारा दी गई ऐसी सुंदर स्थलाकृतियाँ हैं, संरचना हैं, जिससे एक मनोरम दृश्य की भी उत्पत्ति होती है, जैव विविधता की उत्पत्ति होती है, जैव विविधता का सृजन होता है स्थलीय क्षेत्रों में और वो मानव उपयोग के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आज हम लोग इन स्थलाकृतियों की जो संरचनाओं का जो निर्माण होता है इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे, इनके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि वास्तव में ये झीलें कितने प्रकार से निर्मित होती हैं और कौन सी झीलों का कौन सा नाम है, इन तमाम सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी झीलें हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, किस प्रवृत्ति की हैं वो, उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसके आधार पर भी हम लोग देखेंगे, ये तमाम सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना झील वाला सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए जो लैक्स हैं ये कुल तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन तीन आधारों पर है। एक तो बनावट के आधार पर, दूसरा आपका है प्रकृति के आधार पर और तीसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पर। ये तीन प्रकार से झीलों का निर्माण किया जा सक मतलब हुआ है, ठीक है, ये वर्गीकरण किया गया है। तो बनावट के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं। बनावट मीन्स आप जान रहे हैं कि कैसे बनी है कोई झील। दो ही माध्यम हो सकते हैं बनने के, या तो प्रकृति के द्वारा बनी हो और प्रकृति की कोई भी क्रिया हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में उसका और भी अलग से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर बनावट एक आधार होगा, दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम जिसे कहा जाता है। दो प्रकार की ये संरचनाएं बनती हैं, एक तो मानव निर्मित झीलें जिन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं, दूसरा प्राकृतिक झीलें। तो इनका क्लासिफिकेशन दो आधार पर, बनावट के आधार पर है, नंबर एक है प्राकृतिक झीलें, नंबर दो कृत्रिम झीलें। अब प्राकृतिक झीलें किन्हें कहते हैं और कृत्रिम झीलें किन्हें कहते हैं, बहुत बेसिक बात है इसमें। प्राकृतिक झीलों का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा किसी भी गतिविधि के कारण से, चाहे वो वलन हो, चाहे भ्रंशन हो, चाहे दरार हो या हिमानीकृत हो, कुछ भी हो, वो झील का अगर निर्माण हुआ है प्रकृति के द्वारा, वो निर्मित झील है तो प्राकृतिक झील कहलाएगी, और जिसका, जिन झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया गया है वह मानव निर्मित झील के अंतर्गत आपका शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह की झीलें हो गई आपकी। और प्राकृतिक झीलों में अगर देखेंगे तो कौन कौन सी झीलें उदाहरण के तौर पे आपको प्राकृतिक मिलेंगी, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्राकृतिक झीलें जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनको भी प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में रखा जाता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसमें आपको, लेकिन प्राकृतिक झीलों के उदाहरण तो आपको अनगिनत उदाहरण हैं, अनकाउंटेबल हैं, आप समझिए इस तरह से। सारे जो प्राकृतिक, जो कृत्रिम नहीं है, वो सभी झीलें जो हैं वो कौन सी हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। तो जो 5 ग्रेट लेक्स जो हैं आप लोगों को, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ठीक है, ओंटारियो, ये तमाम सारी जो झीलें हैं ये सब उसी के उदाहरण के तौर पे आपको देखेंगे। वैसे हम लोग देखते हैं कुछ तो उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में, ठीक है, ये महान झीलें भी नहीं कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की न्यास झील,
कुछ जिलों के बारे में देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में, तो वो उसकी लोकेशन पूछ सकता है, उसकी प्रकृति पूछेगा मोस्टली। तो आप थोड़ा सा इसमें तथ्य एक ही बार में अगर पूरे तथ्य आप लेंगे तो आपको थोड़ा हो सकता है याद करने में सुविधा हो। तो इस नाते इसका जो वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण में जिन झीलों का जिक्र किया जा रहा है, आप थोड़ा थोड़ा वहीं से याद करते चलेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अदरवाइज एक जगह संग्रहित होने पर आपको असुविधा भी हो सकती है लर्न करने में, ठीक है। तो इस नाते इसको एक टुकड़ों में, जैसे प्रकृति के आधार पर कुछ झीलें बांटी जा रही हैं, कुछ कृत्रिम के झीलें हैं, उसके अलावा खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, इस आधार पर जब करेंगे तो आपको झीलों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। उत्पत्ति का क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा वो 11 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, उन 11 प्रकारों में से आप जो वर्गीकरण को जब याद करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो प्रकृति की झीलों के अंतर्गत आपने उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के बारे में देखा, अफ्रीका की न्यास झील भी वो प्राकृतिक झील के अंतर्गत आती है। कभी कभी पूछेगा निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं और कौन सी अप्राकृतिक झीलें हैं, तो प्राकृतिक झीलें तो आपको मालूम है, अगर नाम याद रहेगा, जैसे मान लो भारत की है तो आप तो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन फॉरेन की जो झीलें हैं वो कैसी झीलें हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ना बताने में असुविधा हो, ठीक है। तो उसी तरह से अफ्रीका की न्यास झील है, अगर आप जान नहीं रहे हैं प्राकृतिक झील है तो आप उसको कृत्रिम में भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है आपका ये प्राकृतिक ही है, अफ्रीका का की न्यास झील है। इसके अलावा जो है अफ्रीका की और भी झीलें हैं, जैसे टंगानिका झील है, विक्टोरिया झील है, बड़ी फेमस झील है विक्टोरिया झील, है ना, आगे डिटेल हम लोग करेंगे इसके बारे में। तो टंगानिका झील है, विक्टोरिया झील है, ये सब क्या है, प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से भारत में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की जो डल झील है, वुलर झील है, मानसरोवर झील है, राकस्ताल झील है, ये सभी झीलें जो हैं वो कौन से किसके उदाहरण हैं, प्राकृतिक झीलों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब कृत्रिम झीलों के संदर्भ में देखते हैं, कृत्रिम झीलें क्या हैं, मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झीलें कहते हैं, ठीक है। अब मानव क्यों निर्माण करता है, तो दो कारण होते हैं। एक तो आप जब पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में जब किसी डैम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना होता है तो उसके कार्य के लिए भी बड़े पैमाने पर कृत्रिम झील का निर्माण करना पड़ता है कि जैसे डैम वर्क करे और डैम के माध्यम से आपका विद्युत उत्पादन किया जा सके, उसके पानी के प्रवाह की धारा को सीमित दायरे में रख करके उसकी स्पीड, उसकी गति के आधार पर जिस हिसाब से विद्युत जनरेट करने के लिए, उत्पादित करने के लिए जितनी आवश्यकता हो उस आधार पर किया जाता है, मतलब वहाँ पर झीलों का निर्माण किया जाता है। दूसरी कृत्रिम झीलों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वर्षा कम होती है या पथरीले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे शासकों के द्वारा, सरकारों के द्वारा कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है जिससे उन कृत्रिम झीलों के जो में पानी जो स्थिर है वो एक उसका उपयोग कृषि के लिए और जीवन यापन के लिए मनुष्य कर सके, इस नाते प्राकृतिक झीलों का इस रूप में भी निर्माण किया जाता है। तो मूल रूप से दो ही कारण होते हैं प्राकृतिक झीलों का निर्माण, कृत्रिम झीलों का निर्माण करने। तो जैसे हूबर झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हूबर झील, यह भी कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला है युगांडा जो पड़ता है, युगांडा की झील है, ओनकाल झील, ठीक है, ओनकाल उगांडा की झील है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण झील है, कृत्रिम झील है। हाई स्वान झील जो है ये मिस्र की झील है जो कि आपकी अफ्रीकी कंट्री पड़ता है। फिर उसके बाद में वोल्टा झील है घाना की, ये भी अफ्रीका है, ये उगांडा भी अफ्रीका है, ये सब अफ्रीकी कंट्रीज के जो हैं झीलें हैं आपकी। अगला है गोविंद सागर झील, आप जान रहे हैं गोविंद सागर झील भारत की झील है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे चंबल की जो नदी पर स्थित जो है गांधी सागर झील है ना, चंबल नदी पर जो बनाया गया है वो भी आपकी है। राजस्थान की जय समुद्र, राज समुद्र, पिछौला झील जो झील है, ये सब बच्चों क्या है, कृत्रिम झीलों के अंतर्गत आपका आता है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बनावट के आधार पर दो, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें, इनके बारे में कुछ जाना, ठीक है। अब प्राकृतिक झीलों के बारे में, अब सॉरी प्रकृति के बारे में देखते हैं, प्रकृति के आधार पर कि प्रकृति मतलब उनका एक तरह से प्रकृति में अगर हम देखेंगे जल के बारे में तो वो उसकी प्रकृति क्या है, यानी खारे पानी की है या मीठे पानी की है, ठीक है। तो जल का स्वरूप जैसा हो, जल की प्रकृति जैसी हो, यानी कि मीठे पानी की झील होगी तो मीठे पानी की झील में रखी जाएगी, यानी एक क्लासिफिकेशन वो हो जाएगा, और दूसरा जो है खारे पानी की झील है, ठीक है। तो दो तरह से है, तो खारे पानी की झील है नंबर एक, इसका प्रकृति के आधार पर नंबर एक खारे पानी की झील है, दूसरा
मीठे पानी की झील है। तो खारे पानी की झीलों में अगर हम देखेंगे तो ये मूल रूप से कहाँ मिलेगा, ये खारे पानी की झीलें जो मिलती हैं इनके दो कारक हैं। एक तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आपको कौन सी झीलें मिलेंगी, वहाँ पर आपको खारे पानी की ही झीलें मिलेंगी। जैसे राजस्थान वगैरह के क्षेत्र हैं या मध्य एशियाई कंट्री जो हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, इस तरह के क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ पर मोस्टली खारे पानी की ही झीलें पाई जाएंगी। दूसरी खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो झीलें पाई जाती हैं, यानी लैगून जिसे कहा जाता है, जो कि क्या होता है कि समुद्र में जब हाई टाइड वगैरह आता है या कभी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ आती हैं कि सुनामी वगैरह आ जाए, तो जल, समुद्री जल जो है बड़े पैमाने पर स्थलीय क्षेत्रों में आके प्रवेश कर जाता है और फिर वो एक जो निचला हिस्सा होता है उसमें पानी काफ़ी मात्रा में स्टोर हो जाता है, वो हमेशा बना रहता है, वो झील हो जाती है। दूसरा एक होता है कि कभी कभी समुद्री पानी जो है स्थल के निचले हिस्से में आता रहता है और समय के साथ साथ उसका एक जुड़ाव समुद्र से ख़त्म हो जाता है, यानी कि कुछ भूगर्भी गतिविधियों के कारण से या अवसादों के जमा होने से वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब समुद्र से उसका कनेक्शन रुक जाता है। तो ऐसी जो झीलें होती हैं वो लैगून झीलों के नाम से जाना जाता है। लैगून झीलें मतलब कभी समुद्र में शायद मिली रही हों, ये कारण होता है, या समुद्री पानी से निर्मित हो गई हों, है ना, जो है जब भी भूगर्भी हलचलों के कारण से, सुनामी वगैरह आने के कारण से जल अंदर आ जाता है। समझ गए होंगे आप लैगून झीलों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं भारत के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो भारत का जो केरला वगैरह का तट है, यानी मालाबार तट पे जो पाई जाने वाली झीलें हैं वो कयाल कहलाती हैं, उन झीलों को कयाल कहा जाता है भारत में, पश्चिमी घाट की तरफ, है ना, मालाबार तट, ठीक है। इधर के तटों पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भी झीलें अगर मिलेंगी समुद्र तटों पर, वो उनका नाम कयाल के नाम से जाना। और लैगून मतलब मैंने आपको बताया कि खारे पानी की झीलों को, जो खासतौर से कोस्टल एरियाज़ में समुद्र तटीय क्षेत्रों में, उन्हें क्या कहेंगे, लैगून कहा जाता है, ठीक है। और कयाल केरला वाले तटों पे, मतलब केरला वाले हिस्से में बड़े पैमाने पे आपको कयाल मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, खासतौर से यहाँ पे। और बाकी खारे पानी की झीलें राजस्थान वगैरह में देखेंगे, जैसे सांभर झील वगैरह है, नमक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। तो खारे पानी की झीलें हो गई और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो झील है, वैसे भी अगर विश्व में सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगी, और सबसे बड़ी जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगर दूसरे महाद्वीप में चले जाते हैं हम, तो आपका डान जुआन पांड जो है अंटार्कटिका की, यह भी खारे पानी की झील है। इसके अलावा गेट वाले पांड जो है इथोपिया में पाया जाता है, पाई जाती है, ये खारे पानी की, ये भी बहुत बड़ी झील है, महत्वपूर्ण झील है। अगला है सेनेगल जो है, सेनेगल में पाई जाने वाली रेटबा झील, ये भी आपकी खारे पानी की ही झील है। और टर्की की वान झील जो है ना, लवणता के लिए जो फेमस झील है, वो भी आपकी खारे पानी की ही झील है। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखेंगे डेड सी की बात करें, यानी मृत सागर की बात करें, या ग्रेट साल्ट लेक की बात करें, ये यूएसए की जो झील है ना, ये सब खारे पानी की महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं बच्चों मीठे पानी की जो झील है, जो सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील है, वो देखेंगे आप यूएसए और कनाडा की सीमा पे स्थित है, जो फाइव ग्रेट लेक्स में से सबसे महत्वपूर्ण झील है, सुपीरियर झील, है ना, वो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा बैकाल झील है जो रूस की, है ना, वो भी प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की काफ़ी गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बेटा दक्षिण अमेरिका के जो है नौकागम झील के बारे में देखेंगे, टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण झीलों की श्रेणी में आती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो नौकागम झील के रूप में अगर देखेंगे, ऊंचाई पर स्थित और नौकागम झील में देखेंगे तो टिटिकाका आपकी है दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज में, मतलब पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और एक एक झीलों के बारे में डिटेल भी बताएंगे बच्चों अभी आगे चल करके हम लोग इसी सेगमेंट में या इसके अगले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन सी झील किस कंट्री में एक्चुअल में स्टेब्लिश है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे भारत का भीमताल, नैनीताल, राकसताल, इसके बाद में सात ताल, ये एक्स्ट्रा जो तमाम सारी जो झीलें हैं भारत की, इन नामों से वो सभी क्या हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। तो उम्मीद है ये बात अभी समझ में आई होगी आपको, एक तो बनावट के आधार पर दो प्रकार की हो गई, प्राकृतिक और कृत्रिम, उसके बाद प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की, खारे पानी की झीलें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखेंगे तो कुल टोटल 11 प्रकार की झीलों के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि
झीलें कैसी हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति को अगर हम देखेंगे, टारगेट बना करके, एम बना करके काम करेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कुल 11 प्रकार के हैं। ठीक है, अब 11 प्रकार की झीलों में देखते हैं कहाँ कहाँ से कैसे बनती हैं झीलें। तो इसमें देखेंगे वलन की क्रिया से या वलन के द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो मैं पहले इनके सारे के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूँ, फिर इसके संदर्भ में कुछ और बातें कि कौन सी झीलें कहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। तो वलन की क्रिया के द्वारा, तो वलन क्या होता है, जैसे जानते हैं मोड़ के कारण या भूगर्भिक यानी कि भूगर्भिक हलचलों के कारण से जब कोई प्लेट दूसरी प्लेट से एक तरह से कहिए टकराए, या टकराने से ही क्या होता है अस्थल खंडों पर क्या वलन का निर्माण होता है। तो वलन की क्रिया के कारण से जो अपनतियां और अवनतियों का निर्माण होता है, वलन कैसे होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से एक तरह से कहिए टकराएंगी तो क्या होगा, एक प्लेट जो निचला हिस्सा दबेगा है ना, टकराएगी और नीचे जाएगी, दूसरे हिस्से का ऊपर उसके दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करेगा। अपने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में इसको हमने पढ़ाया है, जो नहीं जानते बच्चे वो देख लेंगे उसको। टकराने से एक जो ऊपर जो मुड़ आ जाता है ना, स्थलखंड जो मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो उसमें कई सारी अपनतियाँ अवनतियों का निर्माण हो जाता है। तो जो आपकी अवनतियाँ होती हैं है ना, उनमें जो निचला हिस्सा होता है, जैसे उसमें जब वलन आएगा तो एक ऊपरी हिस्सा होगा अवनति, अपनति जो होती है ना, तो उसमें आप देखेंगे जो जल का संग्रह हो जाता है उनसे निर्माण होता है किसका, झीलों का जो निर्माण होगा। ठीक है, तो उस तरह से हो जाएगा वलन की क्रिया से, भ्रंश की क्रिया से आप देखेंगे तो भ्रंशन की क्रिया का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी स्थल हिस्से का उठ जाना या अपने आसपास के हिस्से से किसी हिस्से का दब जाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, भ्रंश की स्थिति कहलाता है। तो भ्रंश के द्वारा कोई हिस्सा उठ जाए या कोई हिस्सा दब जाए, ये जो प्रक्रिया आपकी बनेगी वो आपकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भ्रंश से निर्मित झीलों के अंतर्गत कहलाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपका है दरार घाटी से निर्मित झीलों के बारे में, यानी कि क्रैक्स जब आ जाए, जैसे तनाव टेंशन बढ़ने के कारण से स्थली का बहुत बड़ा हिस्सा दरार पड़ जाए, ठीक है, तो वो हिस्सा जो बन जाता है गहरा वाला हिस्सा, उसमें पानी का संग्रह हो जाए, कलेक्ट हो जाए पानी वहाँ पर, तो क्या बन जाएगा उससे बच्चों, इस तरह से निर्मित झीलों का, यानी कि कुल मिला के जब कोई स्थल पे सामान्य अपने मूल भूमि से गहरा कोई हिस्सा बनेगा और उसमें प्राकृतिक रूप से पानी बरसेगा, बरसने से जो पानी संग्रहित हो जाएगा वही झीलों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो उत्पत्ति के स्वरूप के आधार पर देखेंगे यही सब कारण है, जो मूल भूमि से गहरा हिस्सा होगा, जैसे आपने अपने आसपास के हिस्सों में डेफिनेटली देखा होगा तालाब पोखरे देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, जो आपका मूल हिस्सा होता है उससे बेसिकली वो गहरे हिस्से होते हैं। तो जैसे वो होते हैं तालाब और पोखरे हमारे गाँव के आसपास घरों के आसपास देखने को मिलते हैं, उसी तरह से प्रकृति में कुछ मूल भूमि से निचले हिस्से जो बनते हैं भूगर्भिक गतिविधियों के कारण से, वो ये सब कारण हैं उनके बनने के, और उनसे जो निर्मित होता है निम्न भूमि का हिस्सा जहाँ पानी संग्रहित हो जाता है वो आपका झील का निरूप स्वरूप अख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो वलन की क्रिया से निर्मित जो झीलें हैं इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण झील है अफ्रीका की एडवर्ड झील जो है, ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील जो है ये भी वलन की क्रिया के कारण से निर्मित है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है बच्चों कि कौन सी झील किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित झील है ना, तो अगर ऐसा कुछ गहराई में क्वेश्चन पूछता है तो आपकी अब सक्षमता हो जाएगी। भ्रंश से निर्मित झीलों में देखेंगे तो आपका सैन एंड्रियाज झील जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्रिस्टल झीलें जो यूएसए की हैं वे भी आपकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो भ्रंश की क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों दरार घाटी से निर्मित झीलों में अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा टंगानिका झील है, न्यास झील है अफ्रीका की, ठीक है, और इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित डेड सी यानी मृत सागर जो झील है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो दरार घाटी से निर्मित झील है। और ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, जो दरारी उद्भेदन के कार्ड या दरार घाटी में निर्मित झील के रूप में है आपको। और मृत सागर जानते हैं डेड सी, जहाँ पे मतलब एक तरह से कहिए उसमें जीव नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर अक्सर लोग जो है उसका उसकी लवणता इस रूप में इतनी ज़्यादा है कि उसमें आदमी कोई डूबना चाहता है तो कोई डूब नहीं सकता उसमें पानी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर आपने टीवी में देखा होगा कि तैरते हुए लोग उसमें डूबना चाहें तो डूब नहीं पाते हैं, उसमें जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उस तरह के जो और सामान्य जगहों पर नदियों में जो जीव पाए जाते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलते, वहाँ पर सीप वगैरह
इस तरह के जीव कुछ पाए जाते हैं जिनका औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है, और नॉर्मली जो जीव है, जैव विविधता है, वो वहाँ पर नहीं पाई जाती है या बहुत कम मात्रा में जैव विविधता बाकी समुद्रों और नदियों की अपेक्षा वहाँ पाई जाती है, चूँकि वहाँ पर लवणता ज़्यादा होने के कारण जीव जीवित नहीं रह पाते। तो इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है मृत सागर झील। इसके अलावा बच्चों क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब आप समझते होंगे कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, और तो ज्वालामुखी उद्गार के समय में जब मैग्मा जिस रास्ते से नली के रास्ते से निकलता है और ब्लास्ट करके और फिर मैग्मा पूरी तरह से निकल करके या तो शंकु का निर्माण कर देता है काफ़ी ऊँचाई पर, और उसके आसपास जैसे ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी की जो लाइन है उससे ज्वालामुखी निकला, ठीक है, निकलने के बाद में जब वो धरातल को जब तोड़ेगा तो ब्लास्ट करता है बच्चों, ठीक है, ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट होने से क्या होता है उसके वो एक गड्ढे का निर्माण कर देता है और उसी से मैग्मा निकलता रहता है। मैग्मा निकलने से अगर मैग्मा का स्वरूप बहुत गाढ़ा है तो एक ऊंचे शंकु का निर्माण कर देगा, ठीक है, यानी कि पर्वत का निर्माण कर देगा, मैग्मा उसके आसपास ही गिरेगा और वो उसका हिस्सा एक गहरा सा हिस्सा बना रहेगा जिससे मैग्मा निकल रहा होता है मेन हिस्सा, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है ब्लास्ट करके निकला और मैग्मा बहुत दूर तक फैल गया, ठीक है, ढीला मैग्मा था, ठीक है, नरम मैग्मा था एक तरह से कहिए, यानी गीला ज़्यादा मैग्मा था, तो उसमें क्या होगा मैग्मा फैल गया लेकिन तब भी वो ब्लास्ट करके जो फूटा हिस्सा निकला था वो क्या हो गया, वो जो हिस्सा होता है उसी को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और समय के साथ साथ जब वो जो ज्वालामुखी जहाँ से उद्गार किया है एक समय के बाद में उसकी जो पाइप है वो जाम हो जाती है, जब वो शांत हो जाता है और वो उसके द्वारा जो ब्लास्ट किया गया हिस्सा होता है उसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी भर जाने के कारण से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो क्रेटर झील के निर्माण के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे अफ्रीका की विक्टोरिया झील है, एक ऐसी झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा एंडीज पर्वत पर स्थित टिटिकाका झील है, यह भी ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित झील है। और ओरेंग प्रांत के क्रेटर लेक जो है यह भी आपके उसी का ही उदाहरण मिलेगा, क्रेटर झील के ही। और महाराष्ट्र की जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित लुनार झील है, काफ़ी फेमस झील है, यह भी आपकी क्रेटर झील का ही एक उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हिमानी से निर्मित झीलों के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और झीलों के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं, जैसे वलन की क्रिया बता रहा था मैं, तो अक्सर देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है ये क्या है, वलन, वलित पर्वत है ना, वलन के कारण निर्मित पर्वत है। तो बहुत सारे जैसे 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 आप ऊँचाई पर चढ़ते जाएंगे, हिमालय की ऊँचाई पर चढ़ते जाएंगे, तो इसके जो समीपवर्ती स्टेट पड़ते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, ये सब जो राज्य हैं, या आप नेपाल की बात कर लें, या आप सिक्किम की बात कर लें, या आप और जगहों पे जैसे दार्जिलिंग वगैरह का हिस्सा है भारत का उस पर बात कर लें, तो ये इससे क्या होते हैं, फोल्डेबल माउंटेन होते हैं, मतलब वलित पर्वत के उदाहरण है, यानी कि मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। तो इसमें कई सारी अपनतियां और अवनतियों का निर्माण होता है, तो जो निम्न भूमि का हिस्सा बनता है उसमें क्या होता है, जल का अवनति में जो है जल का हिस्सा निचला हिस्सा हो जाता है, तो जल का भराव हो जाता है। तो इस नाते उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में अनेकों अनेक झीलें आपको दिखाई देंगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वलन के, वलन से निर्मित बहुत सारी झीलें आपको वहाँ पे देखने की मिलेंगी। ऐसा हर उस जगह पे होगा, हर उस कंट्री में होगा जहाँ पर फोल्डेबल माउंटेन आपको पाए जाएंगे। फोल्डेबल माउंटेन कहीं होगा तो वहाँ डेफिनेटली इस तरह की झीलें निर्मित होंगी, क्योंकि बहुत सारी अपनतियाँ अवनतियों का निर्माण होगा, तो निचला हिस्सा जो होगा वो झील वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो हिमानीकृत झीलों में देखेंगे तो हिमानी की क्रिया के कारण से एक्चुअली क्या है ना कि प्लेस्टोसीन युग में जब प्लेस्टोसीन हिमयुग आया उस काल में बहुत सारी हिमानीकृत झीलों का निर्माण हुआ, और लगभग करीब में 6 प्रकार की झीलें हैं, वो झीलें इसमें बनाई गई थी, मिली थी, ठीक है, निर्मित हुई थी। तो उनकी जो हिमानीकृत क्रिया के द्वारा, यानी बर्फ़ से एक तरह से कहिए हिमानी यानी ग्लेशियर से जो जिन झीलों का निर्माण हुआ उन झीलों को हिमानीकृत झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो हिमानीकृत जो झीलें जो निर्मित हुई वो प्लेस्टोसीन युग में निर्मित हुई थी, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें से इनके जो स्वरूप हैं वो कुल टोटल आपके 5 प्रकार के हैं, 5 तरह से हिमानियों से निर्मित झीलें हैं। पहली है आपकी हिमोड़ निर्मित झील, ठीक है, हिमोड़ निर्मित झील है, फिर हिमरोधी झील है, और हिमानी अपरदन से निर्मित झीलें हैं, झील वाटिका है, और थर्मोक्रास्ट झील है। तो देखो इसमें ना कि जो दिया है वो सब हिमानी से निर्मित है, तो इसमें केवल एग्जाम में जब आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन
हिमानी निर्मित झील है। तो नॉर्मली इसमें यह नहीं पूछेगा हिमोर झील है, हिमावर झील है, हाँ पूछ सकता है झील वाटिका के अंतर्गत कौन मतलब आता है, वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोक्रास्ट झील के अंतर्गत, और बाकी इसमें कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो थर्मोक्रास्ट के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। थर्मोक्रास्ट झील के बारे में पहले बात करते हैं, हिमोर से निर्मित झीलें हैं। इसमें क्या होगा, उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, फाइव ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ओंटारियो है, इरी है, ये सब झीलें जो आपकी हैं वो महान झीलों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वो भी हिमोर से निर्मित झीलें हैं। चूँकि आप जानते हैं कि कनाडा का जो हिस्सा है या अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है वो क्या बर्फीले क्षेत्र पड़ते हैं ना, उनका चांस काफ़ी ऊँचा है, तो वहाँ पर ऐसी झीलों का निर्माण होना एक स्वाभाविक सी बात है। विनिपेग झील है, ग्रेट बियर झील है जो कनाडा की, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण झीलें हैं, और ये सब झीलें जो आपकी हिमोर से निर्मित झीलों के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हैं हिमावरोधी झीलों में देखेंगे तो मरजेलन सी स्विट्जरलैंड की, ये हिमानीकृत झीलों के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, देन इसके बाद हिमानी अपर्दन से निर्मित झीलों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि टर्न झील है जिसे सर्क झील के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काक झील जो है ये आपका है, ग्लिटेन लेक जो है, ग्लिटेंट लेक यह भी हिमानी से निर्मित हिमानी अपर्दन से निर्मित झीलों के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा झील वाटिका, अब झील वाटिका क्या मतलब है, यानी कि झीलों का बगीचा, वाटिका मतलब क्या होता है बगीचा, तो झीलों का बगीचा यानी कि जहाँ पर बहुत सारी झीलें आपकी वहाँ पे मिलें, तो उसके अंतर्गत आपका आएगा। फिनलैंड में कई ऐसी झील वाटिकाएँ मिलती हैं आपको जहाँ पर एक साथ में बहुत सारी झीलें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अलावा थर्मोक्रास्ट झील है, थर्मोक्रास्ट झील का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हिमानी क्षेत्रों में जब धरातलीय सतह से नीचे परमाफ्रास्ट की हिम पिघल जाती है तो धरातलीय सतह धस जाती है और इस तरह निर्मित गड्ढे में जल भर जाने से, ठीक है, थर्मोक्रास्ट झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या है, पर हिमानी क्षेत्रों में यानी हिमानी वाले क्षेत्रों में जब धरातलीय सतह पर नीचे परमाफ्रास्ट की, ठीक है, हिमानी पिघल जाती है तो धरातलीय सतह धंस जाती है और इस धंसी हुई सतह पर जो गड्ढे जो बन जाते हैं, इस गड्ढों में जल भरने की जो क्रिया, जल भर जाते हैं, जल जो भरने से कि क्या होता है, थर्मोक्रास्ट झील का निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी हिमानी वाले क्षेत्रों में ही सब निर्मित है, हिमानीकृत झीलों के अंतर्गत आप उसको रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका क्या है, गोखुर झील। तो गोखुर झील कहाँ पाई जाती है, देखिए ये मैदानी क्षेत्रों में गोखुर झीलों का निर्माण होता है। किस क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। अब गोखुर झीलें क्या होती हैं, इनका जो नाम रखा गया है गोखुर झील, ये क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके खुर की जो संरचना होती है, खुर मतलब उनका पैर जो होता है, पैर का जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसे खुर कहा जाता है। तो उस हिस्से कुछ उसी शेप में इन झीलों का निर्माण होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ जितना भी वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों से जितना भी मलबा लेके अवसाद लेकर के आती हैं तो वो क्या करती है, रास्ते रास्ते में उसको ड्रॉप करती रहती है, यानी छोड़ती जाती हैं। तो होता क्या है कि नदियाँ छोड़ती जाती हैं, और कहाँ ज़्यादा नदियाँ छोड़ती हैं, जब उनका तल जब मैदानी क्षेत्रों पर प्रवेश करने के बाद में, चूँकि ढाल उनका कम हो जाता है, मंद हो जाता है, नदियों का ढाल जब मंद हो जाएगा, पर्वत से जब नदियाँ आएंगी तो तेज़ धार के साथ आएंगी, उन्हें ऊंचाई से गिरेंगी तो वहाँ पे सारे अवसाद उसके बह जाएंगे उसी पानी के साथ। पठारी क्षेत्रों में भी ढाल प्रवणता ज़्यादा रहेगी, फिर मैदानी क्षेत्रों में आएंगे तो ढाल प्रवणता कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये जैसे जैसे वो समुद्र के करीब आती जाएंगी, इनकी प्रवणता, ढाल प्रवणता कम होती चली जाएगी, और समुद्र के समय जाते जाते लगभग करीब में बहुत कम हो जाती है, कुछ मतलब कुछ पॉइंट में इनका रह जाता है, नहीं डिग्री में भी नहीं रह जाता है उनकी ढाल। तो इस नाते वो अवसादित कर देती हैं, जैसे आप देखेंगे डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, क्या करती हैं, तो डेल्टाई क्षेत्रों में जब जाती हैं समुद्र के पास वाले क्षेत्र में, सारा अवसाद वहीं पर कलेक्ट कर देती हैं और अपनी एक धारा बना करके किसी तरह से पानी को वहाँ पर विसर्जित कर देती हैं समुद्र में। तो जब मैदानी क्षेत्रों में जब आती हैं समुद्र से लगभग 500, 400, 300, 200 किलोमीटर पहले के जो हिस्से बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो अवसाद होता है, तो नदियाँ मतलब जो है मैदान पूरा समतल होने के कारण से या ढाल कम होने के कारण से उसमें नदियाँ कई सा अपना टर्न करती हुई जाती हैं, यानी कि मोड़ बनाती हुई जाएंगी, यानी विसर्प का निर्माण करती हुई जाएंगी। तो कभी कभी इनका जो विसर्प बनता है नदियों का वो इस रूप में बनता जाता है, ऐसे ऐसे नदियों का विसर्प बनेगा, ऐसे ऐसे नदियों का ये विसर्प, तो कहीं कहीं कुछ विसर्प ऐसे होते हैं जो ऐसे जाते हैं।
तो इन स्थितियों में क्या, जैसे यहाँ देखिए यहाँ विसर्ग बना हुआ है, ये निर्माण हुआ है, ये चीज़ें हैं, तो कभी कभी क्या होता है इनमें अवसाद आ जाते हैं, वलन भर जाएगा, तो ये जो नदियाँ यहीं पे कलेक्ट हो जाएंगी, पानी यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये पानी बंध जाएगा और पानी की धारा जो यहाँ से होकर के यहाँ प्रवाहित हो रही थी कभी समय में फिर ऐसे प्रवाहित होने लगेगी और यहाँ अवसादित हो जाएगा, तो ये जो निर्माण हो जाएगा ये कौन सी झील के अंतर्गत आपका आ जाएगा, गोखुर झील के अंतर्गत आ जाएगा, यानी गो के जानवर के खुर की जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये इसके अंतर्गत है, ये कहाँ मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है, तो आपका गोखुर झील में, तो ये ज़्यादातर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये इसकी झीलें हो गई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, जलोढ़ पंख से निर्मित झीलें जो हैं ये कहाँ पे होंगी, ये खास तौर से उस हिस्से में पाई जाएंगी आपकी कि जहाँ पर मैदानी क्षेत्र, सॉरी जलोढ़ पंख होंगे, जहाँ पर ये पर्वत से और पठार से आकर के सीधे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो उन क्षेत्रों में, ठीक है, जो तराई वाले बेल्ट वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ पंख झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, जब अवसाद जो अपने साथ जो नदियाँ पर्वतों से और पठारों से जब उतरती हैं नीचे, अपने साथ बहुत सारा अवसाद लिए रहती हैं, तो अवसाद को क्या करती हैं, बिखेर देती हैं, तो एक तरह से जो अवसाद बिखरते हैं पंख के आकार की एक संरचना बना देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर फिर पानी अपना निकलने लगता है, तो जहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसे झीलों का निर्माण हो जाता है तो ही जलोढ़ पंख झील के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर देखने में आपको उत्तर भारत के क्षेत्रों में, आपको जम्मू कश्मीर के बाद से आप आएंगे यानी उत्तराखंड वगैरह के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ऐसी झीलों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें अगर हम लोग, तो पूर्वी कैलिफोर्निया वगैरह है USA के, उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और वो पूर्वी कैलिफोर्निया में ओवेंस झील जो है इसका एक अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेल्टा वाला क्षेत्र मैंने बताया, अभी नदियाँ जब समुद्रों से मिलने जाती हैं बच्चों, तो समुद्र में जब मिल रही होती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, बहुत सारा अवसाद अपना ले जा करके वहाँ पर संग्रहित कर देती हैं, और अवसाद जब संग्रहित हो जाता है वहाँ पर, तो वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ धारा बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, जैसे जो गोखुर वाली बनने वाली झील का जो स्थिति बनती थी वही स्थिति कमोबेश डेल्टाई क्षेत्रों में भी बनती है, तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो पानी कभी वहाँ से होकर के नदी प्रवाहित होती थी, फिर वो जब बंद हो जाता है, उसका ब्लॉक लग जाता है उस पर, एक तरह से कई अवसाद आ जाने के कारण से, मलबा आ जाने के कारण से उसका मूल धारा से कटाव हो जाता है, तो इस तरह से देखने को आपको बड़े पैमाने पे डेल्टाई झीलें मिलेंगी। तो जैसे ये सभी नदियों में, जैसे सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको डेल्टाई नदियाँ मिलेंगी, उसी तरह से जैसे एक आप अच्छा उदाहरण देखना चाहें तो कोलेरू झील देखेंगे, जो आपका गोदावरी नदी के डेल्टा में पाया जाता है कोलेरू नदी, ठीक है, कोलेरू झील जो है गोदावरी नदी के डेल्टा में निर्मित है। उसी तरह से मिसिसिपी का डेल्टा में देखेंगे पोंचास्ट्रियन झील जो है, पोंचास्ट्रियन झील जो है वो मिसिसिपी के डेल्टा में पाई जाती है। नील नदी के डेल्टा में अगर देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो झील आपको मिलेगी माहे झील जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नील नदी के डेल्टा में पाई जाएगी। इसके अलावा नाइजर नदी के डेल्टा में देखेंगे मेरी गांट झील जो है वो आपको नाइजर नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सब डेल्टाई क्षेत्रों के नदियों के रूप में है आपका। इसके अलावा भूकंप से निर्मित झीलें हैं, अब देखिए भूकंप मतलब जान रहे हैं कि भूकंप आएगा तो क्या होगा, कोई हिस्सा दब जाएगा कोई हिस्सा उठ जाएगा, तो जो दबा हुआ वाला हिस्सा होगा उसमें जो पानी कलेक्ट हो जाएगा उसके द्वारा जो निर्मित झील होगी वो भूकंप से निर्मित झील हो जाएगी, ठीक है। तो टेंसी झील जो है ये भी आपकी है, यो रोलफुल घाटी जो USA की है, यहाँ पर एक भूकंप से निर्मित झीलों के अच्छे उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ओनमन कुंड झीलें जो हैं ये क्या होती हैं, नदियों के मार्ग में बड़े बड़े जलप्रपातों के निचले भाग में निर्मित गहरे गड्ढे, क्या है, जलप्रपातों के निचले भाग में निर्मित, जहाँ जलप्रपात यानी कि झरने के नीचे वाले भाग में कभी कभी बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है, गड्ढों को ओनमन कुंड कहा जाता है। इन ओनमन कुंड में जब जल भर जाता है, ओनमन कुंड का जो है ओनमन कुंड झील के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये झरने से पानी गिरता है तो उसमें क्या हो जाता है, बड़े पैमाने पर पानी वहाँ पे पानी कलेक्ट होने लगता है। कैसे होने लगता है कि जब वो झरने से पानी गिरता है तो उस बड़े हिस्से को गड्ढा कर देता है, गड्ढे का निर्माण कर देता है, तो गड्ढे में जल का जो भराव हो जाता है बड़े पैमाने पर वो जो झील की संरचना के रूप में आ जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, ओनमन कुंड झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जल भरने से ओनमन कुंड झील का निर्माण होता है। देन इसके बाद बच्चों हैं संरचनात्मक झील, तो संरचनात्मक झील में अगर हम देखेंगे तो संरचनात्मक झील के अंतर्गत आपका आप देखेंगे तो कौन सी झीलें आती हैं, जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टानें आ जाएं, संरचनात्मक झील में क्या
ठीक है, जब क्या हो जाती हैं कठोर मतलब चट्टानें आ जाएं, यानी कि रास्ता अवरुद्ध हो जाए, किसके, नदी के मार्ग में। तो यानी कि वही जो गोखरू वाली झील का जो संरचना लगभग बन रही थी कमोबेश उसी तरह से, जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो उनका अपरदन कम हो जाता है, ठीक है, परंतु कोमल शैलों का अपरदन अधिक होता है, परिणाम स्वरूप कठोर शैलों के पीछे वाली पीछे नदी का जल अवरुद्ध हो जाता है तथा अस्थायी झील का निर्माण होता है जिसे संरचनात्मक झील के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो हो गया आपका संरचनात्मक झील के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है थोड़ा सा कि झीलें किस रूप में बनती हैं और कौन सी झील किसका उदाहरण है इसके संदर्भ में आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस कारण से हम लोग इसको यहीं वाउंड अप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मतलब जो है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी कंट्री में स्थित झील सबसे महत्वपूर्ण झील है, किस स्वरूप की है, ठीक है, फाइव ग्रेट लेक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, धन्यवाद।